हेलो लर्नर्स, वेलकम टू शिक्षाशास्त्र। लर्नर्स, ओडिशा रेगुलर हाई स्कूल टीचर मेन एग्जाम पेडागोजी इवालुएसन माराथन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम कंटिन्यू करुले, जो थे मुझे अलरेडी 11 क्लास कंप्लीट कर सारी। यहाँ आप क्लास नंबर 12, जो थे आम आहरी 15 क्वेश्चन को एक्सटेनसन करवा, डिस्कसन करवा, ट्राई करवा, बहुत किसी आज लर्न करने जो गुड़ा आपको निश्चित भाव में कमिंग एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल हे। सो आज जो क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा से 10 मार्च 2022 बैच 2 टीजीटी आर्ट्स आसाला। मुझ आगू कहला भाई ये क्वेश्चन गुड़ा समस्त सब प्रकार टीजीटी एग्जाम आपको हेल्पफुल हे। क्वेश्चन नंबर 36 भी देखो, द टर्म लर्निंग स्टाइल्स कोरेस्पंड्स द अंडरस्टैंडिंग दैट एव्री इंडिविजुआल लर्नस डिफरेन्टली सिमिलारली रेडिली इंटरनाली। पहले से कौन जो लर्निंग स्टाइल रहा शिक्षण जो शैली रहा सीटा क्या सहित कोरेस्पंड करुच्चित अनुरूप जोटा कौन क्या सहित सामान सेटा दैट एव्री इंडिविजुआल लर्नस डिफरेन्टली ना तार अर्थ हूँ एव्री इंडिविजुआल लर्न सिमिलारली प्रत्येक इंडिविजुआल जो व्यक्ति रेने भिन्न भिन्न भाव में शिखती सामान भाव में शिखती रेडिली आम कहे ना कौन कि स्पीडली जोटा आम कहे सहजरे इजिली शिखती इंटरनाली शिखती आभ्यंतरण भाव में जोटा लर्न करती आपतर कौटा भावुंत जी लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग आपंकर रोचे तेल पिता सब अलग अलग वे लर्न करेंगे। जदि आपन कहे सर आम क्लास गोटे पिला अच्छी से खाली शुणी शुणी बहुत शीघ्र मन रखिदे ना सर गोटे पिला अच्छी से तो रिसाइटेशन करेखुची वार्ड को मन रखुच्ची रैम्स को मन रखुच्ची से बहुत जल्दी गोटे पाठ को शिखी जाऊँच कह ना सर गोटे पिला जितने ग्रुप डिस्कसन करम पढ़ुची कोलाबोरेसन कर अधिक स्पीड शिखुची कि कह ना सर गोटे पिला देखिकी गोटे भिजुआल पिक्चर हो डायग्राम हो आपको भल से देखिकी से मन रखिदे कौन आप क्लासरूम डिफरेन्ट लर्निंग स्टाइल्स रिला रे जो डिफरेन्ट लर्णिंग स्टाइल रिला रेल से विभिन्न प्रकार वे लर्न करेंगे ना कौन दैट एव्री इंडिविजुआल लर्नस डिफरेन्टली। तेल क्वेश्चन आस कौन कौन सब लर्णिंग स्टाइल रिला अच्छा जो आपको सब एग्जाम्पल दे बुझेली आप कहे भिजुआल जो मैंने रे आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ी टिके ट्राए करने को चेस्टा करूँ कि भिजुआल लर्नर्स मैंने सर भिजुआल लर्निंग स्टाइल जो पिला रेने गोटे पिक्चर को लुक करना डायग्राम्स को देखिक शीघ्र मन रखिए पाठ बा लर्न करने को ट्राए करेंगे। जो मैंने ऑडियो टारी रे ऑडियो मध्यम साउंड्स हो म्यूजिक हो आम से इजिली लर्न कर ये जो कैटेगरी ऑफ लर्नर रहले आउ जो लर्निंग स्टाइल पिला रहले जमी सोशल जो आम कह से ग्रुप हो कोलाबोरेसन हो टीम्स हो आम ट्राए करेंगे भलसे लर्न करने भर्बाल लर्नर जो मैंने से रिसाइटेशन हो राइटिंग्स हो नोट्स हो वार्डस हो राइम्स हो आम ट्राए करेंगे लर्न करने मैंने लॉजिकल लर्नर से क्वेश्चन आस्क कर मैंने क्वेश्चन पचारे आस्किंग क्वेश्चन लॉजिक करी ट्राए करेंगे लर्न करने तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स अच्छी से अनुसार से लर्निंग वे अलग अलग हम से लर्निंग स्टाइल्स भितर आम कौन कौन आसगला आउ थ डिफाइस करदे ना विजुअल ऑडिटरी लॉजिकल वर्बल आउ सोशल। क्वेश्चन नंबर 37 पिला देखु भाइगोट्स्की बिलीव दैट लर्नर्स कुड अचीव मच ग्रेटर लेवल ऑफ लर्निंग थ्रू द हेल्प ऑफ से कौन भाइगोट्स्की बिलीव कौन कर जो लर्नर्स मैंने रे शिक्षार्थी मैंने रे से उच्च स्तर लर्निंग शिक्षण को हासिल करें क्या मध्यम कहार साज्य मध्यम ना मोर नलेजेबुल अदर मोर नोन अदर मोर नोइंग अदर मोर नलेजेबुल नलेज अदर आंसर दे ट्राए करते पे आप ले भाइगोट्स की जानते जो रशियान साइकोलोजिस्ट से होती फादर कार ना सोशियाल कन्स्ट्रक्टिविज्म से कौन कहले पे सी कहले जो मैंने सब मोर नलेजेबुल अदर आम ठार् जो मैंने अधिक नलेजेबुल जदि से सहित आम इंटराक्शन करवा तेल आमर कौन हम जो प्रोब्लेम्स गुड़ाक रहा लर्णिंगटा आम आहरी ग्रेटर लेवल को जापर तक गाइडेन्स हेल्प तेल क्वेश्चन आस सारे जो ये एम के ओ मैंने रे लोक आम कहे एम के ओ मैं बारंबार तो भाईगोर्सी पढ़े बुझे तेल ये एम के ओ भितर किए किए आस खाली गोटे टर्म मन रखु कि आपण जार बेटर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हाई एबिलिटी अच्छी से माने एमकेओ भितर आसीजे एनीवन हू हाज बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी लेवल दैन द लर्नर्स कि आपण गोटे शिक्षार्थी ठारे शिक्षार्थी नहीं जाए एग्जांपल कि गोटे शिक्षार्थी ठार् जार अधिक भल अंडरस्टैंडिंग थी तार हाई एबिलिटी थी दक्षता थी सी आसो एमकेओ भितर जमी तार टीचर होगा एग्जांपल एमकेओ भितर तार पेरेंट्स होगा
कि ताठू जे बड़ ओल्डर आडल्ट होगले कि सांगसाथी पियर्स ग्रुप होगला आम कंप्यूटर को भी नहीं पारा गोटे एमकेओ भितर ना कौन तेणुक आप मन रखिए लेवाइगर्स किए देते लेवाइगर्स आउ कौन देते सोशियाल इंटरेक्शन इंपोर्टेंस देते जोटा से कहते इंट्रा इंटरेक्शन आउ इंटर इंटरेक्शन सहित स्काफोल्डिंग कथ भी से कहते सहित से जोन अफ प्रोक्सीमाल डेवलपमेंट कथ कहते जोन अफ आचिव डेवलपमेंट बा एक्चुअल डेवलपमेंट क्या कहते क्वेश्चन नंबर 38 पिले देखु फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन ऑफ़ द स्टूडेंट्स इन वेरियस एक्टिविटीज इज एन एग्जांपल ऑफ पिले जो फॉर्मल औपचारिक अनौपचारिक पर्यवेक्षण आम पिला करूचे सेटा कहार गोटे एग्जांपल फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रे उभयंकर आपको दे क्वेश्चन कोडिंग टाइप रे कि बोथ ओनली टू ओनली वन बोथ वन एंड टू नाइदर वन नॉर टू पिले ऑब्जर्वेशन होचे गोटे इम्पोर्टेंट टूल कारण फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रो कारण फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो आम करूचे ऑब्जर्वेशन को आम गोटे इम्पोर्टेंट टूल भाव नहीं पार क्लासरूम ऑब्जर्वेशन हो आउटसाइड क्लासरूम ऑब्जर्वेशन हो फॉर्मल वे रे क्लासरूम हो कि इनफॉर्मल वे रे आउटसाइड क्लासरूम प्योर ग्रुप थी समय से समय ऑब्जर्वेशन हो तेणुक आप आंसर कौन हम ओनली टू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सॉरी ओनली वन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वन ऑप्शन अच्छी ओनली वन ठीक अच्छे पे क्वेश्चन नंबर 39 फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव व्हाट इज ए डिसाइडिंग फैक्टर इन लर्निंग पिले जो कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव ताने कौन मुझे बारंबार कही ओडिया रे एटा गोटे रचनावादी सिद्धांत गठनमूलक सिद्धांत जो आप कहीपरेंगे कि गठनवादी जो आप्रोच रहा पर्सपेक्टिव मतवाद रहा तार दृष्टिकोण व्हाट इज ए डिसाइडिंग फैक्टर इन लर्निंग शिक्षण गोटे इम्पोर्टेंट कारण कौन फैक्टर कौन निर्णायक कारण तक आपे डिसाइडिंग फैक्टर कि कंस्ट्रक्टिव जो पर्सपेक्टिव रहा ता मतरे शिक्षण बा लर्निंग गोटे फैक्टर कौन कारण कौन आप कहे प्री आसेसमेंट स्कोर्स पोस्ट आसेसमेंट स्कोर्स प्रीवियस लर्निंग कि प्रीवियस एक्सपीरियंस पिले कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे सब बेले से माने एक्सपीरियंस को बेसी इंपोर्टेंस देखते आप पियाजेट को देखते वाइगर्स की देखते समस्ते ब्रूनर देखते समस्ते एक्सपीरियंस को सब अधिक इंपोर्टेंस देखते कहते ब्रूनर कौन कहे डिस्कवरी से हम जो आम प्रीवियस नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज सहित लिंक भल से करा से कथा भी आपंकर पियाजेट कहते कि लर्नर निज इनिशिएटिव माध्यम जो तार प्रीवियस नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज सहित रिलेट कर एक्सटेंड करुच्चे तार भल से नॉलेजा गेन हो पारे तेणुक आपर आंसर कौन हम ना प्रीवियस एक्सपीरियंस हूँ गोटे डिसाइडिंग फैक्टर कह शिक्षण कि शिक्षण हम भल जो तार प्रीवियस एक्सपीरियंसटा भल से हो क्वेश्चन नंबर 40 देखो आज ए टीचर देर आर सम कॉमन ग्रुप एक्टिविटीज दैट यू कैन कैरी आउट इन योर क्लास हुज द फॉलोइंग इज नॉट वन सच एक्टिविटी पिले बहुत सारा ग्रुप एक्टिविटी अच्छी आपण एज ए टीचर से ग्रुप एक्टिविटीज गुड़ाक क्लासरूम कंडक्ट करेंगे आदर कौ टाइम गोटे अच्छी जोटा आप ग्रुप एक्टिविटी भितर आसूना इंडिविजुअल होमवर्क थिंक पेयर सेयार रोल प्ले कि जिक्स आप आराम से क्वेश्चन करेंगे जो इंडिविजुअल होमवर्क रहा आप घरे होमवर्क करेंगे सेटा के गोटे आप ग्रुप एक्टिविटी भितर आसो कि आसो ना तेणुक आप आंसर कौन होगा ना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ये जो आर तीन टाइप आप रही मन रखुद ये आपंकर कोऑपरेटिव लर्निंग भितर आसी ग्रुप लर्निंग भितर आसी ठीक है से गोटा है थिंक पेयर सेयार गोटे रोल प्ले आ गोटे जिक्स थिंक पेयर सेयार मैंने कौन कि आप प्रथम थिंक करेंगे टीचर आसपे क्लासरूम को आज टीचर आप पे गोटे क्वेश्चन पचारे से ही क्वेश्चन को नहीं पिला प्रथम चेयर निजे चिंता कलापर गोटे पेयर करने में गोटे पिला सहित ग्रुप करने से सहित डिस्कसन करेयर कर दैट मीनस क्वेश्चन पेयर सेयार जो आम कहे थिंक डिस्कस सेयार भी ठीक है रोल प्ले तो आप जानते जो जिक्स रहा पिले ये वन टाइप अफ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप लर्निंग जो थे कौन करें ना प्रथम मिक्सड एबिलिटर पिला मिक्स एबिलिटी मैंने डिफरेंट जेंडर हो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल रो स्लो लर्नर स्पीड लर्नर तक मिसेक आम कौन ग्रुप करूँ धर क्लासरूम में आप 16 जन पिला अच्छा मुझे एक्जामपल नौ गोटे कौन करा इक्वाल स्टूडेंट आप ग्रुप करेंगे आम चार्टा ग्रुप करदे 16 जन पिला के पड़ा आप प्रत्येक ग्रुप चार जन लिखा पड़े प्रत्येक ग्रुप चार चार पड़े आप गुड़ा कहते हैं नर्माली होम ग्रुप कही पार्बा आउ रखे गोटे एक्सपर्ट ग्रुप एक्सपर्ट ग्रुप प्रत्येक ग्रुप गोटे गोटे पिला आपदे से एक्सपर्ट थे पर्टिकुलाली जो बिटा आप डिस्कसन करेंगे धर मुझ डिस्कसन करेंगे एक्जामपल है कि इंडियान फ्रीडम स्ट्रगल उपर आम डिस्कसन करवा चार्टा ग्रुप मुझे करदे चार चार जन पिला रे प्रत्येक ग्रुप
आपण करिवे से ग्रुप रे जति सु पिलार होथे तांकर सब नंबरिंग कर देबे कि 1 2 3 4 समती आंकर भी कर देबे 1 2 3 4 1 2 3 4 आर भी कर देले सो ग्रुप कर देले आपण को करिवे ए सब डिफरेंट टाइप रो से जो टॉपिक रहला ता भांगी देबे छोट छोट भाग रे धर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मु दे देली मानको सिपाही विद्रोह एमानु दे देली असहयोग आंदोलन एमानु दे देली अहिंसा आंदोलन एमानु दे देली भारत छाड़ आंदोलन ए जो ग्रुप रे पिला माने प्रथम निज भितर डिस्कशन कले डिस्कशन कला परे आपण को करिवे ए जो ग्रुप रे जो प्रत्येक वन रहिले ताकू आउ गोटे ग्रुप करदे ए ग्रुप रन को आसे ए ग्रुप रन को आसे ए ग्रुप रन को से ग्रुप ने आसे एमती आने की आउ गोटे ग्रुप करदे जो ग्रुप रे प्रत्येक पिला ए ग्रुप रे ये पड़ी धर सिपाही विद्रोह ये पड़ी अहिंसा आंदोलन ये पड़ी भारत छाड़ आंदोलन से करेंगे एम सहित डिस्कसन करेंगे सेमती आउ गोटे ग्रुप करदे टू मानक सब नहीं जी जितक ग्रुप टू रे सी कौन करेंगे से ग्रुप डिस्कसन करेंगे कौन ना जो मैंने सब पढ़ी आसो अलग अलग ग्रुप जो जहाँ सब जिन अर्थात ये कौन हो आम गोटे होम ग्रुप रखुचे गोटे एक्सपर्ट ग्रुप रखुचे एक्सपर्ट ग्रुप से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे होम ग्रुप जो डिफरेंट लर्नर मैंने डिफरेंट जिन शिखी आसते पुणी से आउ गोटे ग्रुप को रिटर्न कर शिखेबे तो ये आप टाइप अफ जिक्सल लर्णिंग ये मुझे भलसे ब्लाकबोर्ड में ही भलसे बुझे हे ये लर्णिंग एग्जाम्पल्स मध्यम तथा आप ट्राए करते बुझापाई क्वेश्चन नंबर 41 डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फोकसेशन जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन तक आम कहते नैदानिक मूलक मूल्यायन यहाँ क्या उपर गुरुत्व दिए स्ट्रेंथ ऑफ द लर्नर मिसकनसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स लर्नर कंपिटिशन ऑफ द सब्जेक्ट पेशेंस ऑफ द लर्नर आंसर देखिए ट्राए करूँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आम कहीं क्यारे करूँ कहीं करूँ सब ये सब कौन करे पिलांकर कौन सब डिफिकल्टीज रही से मानकर कौन सब भूल भटका रही प्रोब्लेम्स कौन तक आइडेंटिफिकेशन करवाई से प्रोब्लेम्स को इराडिकेशन करने जो गोटे पिलार गोटे कनसेप्ट को नहीं मिसकनसेप्शन रही भूल धारणा रही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मध्यम दूरीकरण हो पार तेणुक आंसर कौन हम आपर ना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मिसकनसेप्शन ऑफ द लर्नर क्वेश्चन नंबर 42 पे देखु हुज द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए ग्रुप वर्क जो ग्रुप वर्क रहा गोष्ठीगत कार्य रहा तो आम कहे तार गोटे कौटा गोटे इंपोर्टेंट कंपोनेंट बा उपादान साइज प्रॉब्लम सुपरविजन एक्सपेंस आपन एबे ही जिक्सो लर्निंग कहला बेले कहली कि जेतेबेले आपन गोटे ग्रुप लर्निंग करूचंती ग्रुप एक्टिविटी करूचंती कोऑपरेटिव लर्निंग करूचंती सेतेबेले सबबेले साइज ऑफ द आपनकर ग्रुप को आपन देखिबे केते आकार तार रहिला कि जदि 50 पिला अछन ताले मु को भलिया ग्रुप टे करबी लार्ज साइज रो ग्रुप करबी ना स्मॉल साइज रो ग्रुप करबी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करबी कि नहीं मिक्स एबिलिटी पिला रखबी कि नहीं तरकरी साइज ता सबले गोटे इंपोर्टेंट एलिमेंट आ इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्रुप वर्क और ग्रुप एक्टिविटीज क्वेश्चन नंबर 43 पिल लिखंतु हुज द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ग्रुप लर्निंग आधुरु कोटा गोटे ग्रुप लर्निंग रो एडवांटेज एनकरेजेस इंडिविजुअलिटी क्रिएट कन्फ्यूजन रिड्यूस पार्टिसिपेशन एनकरेजेस कोलाबरेसन पे आंसर तो ट्राए करूँ बहुत इजी क्वेश्चन आपको पचार जो ग्रुप आक्टिविटी रहा ग्रुप लर्णिंग रहा तार गोटे भल पजिट सैड कौन आडभांटेजेस कौन जो ग्रुप आक्टिविट कथ कहे ये इंडिजुआलीटी को एनकरेज कर कि आप व्यक्तिगत भाव में कौन कम करेंगे यहाँ पर ग्रुप आक्टिविट ये कौन कर कोलाबरेसन को एनकरेज कर क्रिएट कन्फ्यूजन ये आपर कन्फ्यूजन क्रिएट कर कि कदापि नुहे रिड्यूस पार्टिसिपेशन ये आपर पार्टिसिपेशन को इनक्रीज कर जितेबाला ग्रुप लर्णिंग आम करवा ये के रिड्यूस कर ना तेणुक आंसर कौन हम एनकरेजेस कोलाबोरेशन ये कौन करे ना सहयोगिता को उत्साहित करे क्वेश्चन नंबर 44 देखु हुज द फॉलोइंग फैक्टर्स हिंडर्स इनक्लूजन प्राक्टिसेस आम जो कौन ना कि आम इनक्लूड करवा पिला प्रत्येक कैटेगोरी पिला प्रत्येक लर्णिंग स्टाइल पिला श्रेणीगृह से जो आम इनक्लूजन कथ कहे इनक्लूजन करवा आदर कौटा गोटे एमती फैक्टर्स जोटा कि बाधा सृष्टि कै से इनक्लूजन हिंडर्स जोटा कहे प्रोब्लेम क्रिएट करे बाधा सृष्टि करे सेंसिटाइजेशन कैपेसिटी बिल्डिंग पेरेंट इनवॉल्वमेंट किंबा सेग्रीगेशन आंसर तो ट्राए करें जो सेग्रीगेशन रहा आम कौन ना डिफरेन्ट टाइप सब डिजन करदे ये जो विभिन्नता रहा विभाजन रहा ये सब गोटे हिंड्रांस क्रिएट कर प्रोब्लेम क्रिएट करे आम कौन डिफरेन्ट कास्टर पिला डिफरेन्ट रिलीजन पिला डिफरेन्ट आबिलिटर पिला ये जो सेग्रीगेशन आम करदे विभिन्न प्रकार पृथ्वीकरण करदे विभाजन करदे से सब गोटे प्रोब्लेम क्रिएट कर इनक्लूजन प्राक्टिसेस
ये कनसेप्ट आपंकर इनक्लूसिव क्लासरूम बा इनक्लूसिव एजुकेशन सहित रिलेटेड आउ इनक्लूसिव एजुकेशन रो कैरेक्टरिस्टिक्स मु आपनको बहुत ही बार बुझाई सारी तथापि आउ थरे आपनको रिपीटेशन कर दउछि कि इनक्लूसिव क्लासरूम होछि एमिति गोटे क्लासरूम जोथरे आमे कहउछि सब पिलाक आमे इनक्लूड करबा इनक्लूजन ऑफ ऑल लर्नर्स ना कौन आउ कौन हम ना सांगसाथी मैंने समस्त समस्त आसेप्टान्स करेंगे ग्रहण करेंगे समस्त को प्योर आसेप्टान्स सब थी डिफरेन्ट कैटेगोरी पिला रे डिफरेन्ट आबिलिटर पिला रे आम कौन करवा ना डाइवर्सिटी को प्रमोट करवा प्रमोट डाइवर्सिटी समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी दवा नीड बेस्ड आम पिला आड्रेस करवा गोटे पिलार एक्सट्रा किसी नीड अच्छी से अनुसार आम तार नीड इंडिविजुअल नीड्स को आड्रेस करवा क्लासरूम जेहेतु हेट्रोजेनियस पिला रे डिफरेन्ट टाइप रिला रे तेणुक आम हेट्रोजेनिटी को सपोर्ट करवा क्लासरूम यहाँ आप इनक्लूसिव क्लासरूम कैरेक्टरिस्टिक्स आसमसन जहाँ भी आपारे तो ये आप आंसर कौन है ना सेग्रीगेशन हूँ गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर्स जोड़ा कि इनक्लूजन प्रैक्टिसेस को हिंडर करुछि बाधा सृष्टि करुछि। क्वेश्चन नंबर 45 ले देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आपण जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट करुछंती से स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रो गोटे कौन आधुर फीचर बा वैशिष्ट्य आपण जो कहनथिले कि शिक्षक गोटे परीक्षा करथिव टीचर मेड टेस्ट आ गोटे ला स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ए जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को हम कहछे मानक परीक्षण आधुर गोटे फीचर बा हम कहछे ना प्रकृति बा स्वरूप कौन दे आर कमर्सियल प्रिपेयर दे हाव नो यूनिफर्म प्रोसीजर्स दे आर स्कोर्ड ऑन द बेस ऑफ रिक्वायरमेंट दे कैन बी यूज्ड ओनली ऑन ए स्मॉल ग्रुप पिले आंसर दो ट्राए करूँ पिले जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट रहा मुझे अचीवमेंट टेस्ट को आम दि भाग में व्यक्त कर पार्बा गोटे स्टैंडर्डाइज टेस्ट आ गोटे टीचर मेड टेस्ट ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट पिले रहा ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट सब कौन करे ना सीटा कम मैक्सिमम टाइम सब मैक्सिमम टाइम से कमर्सियल प्रिपेयर होता है एक्सपर्ट ग्रुप प्रिपेरेसन करें कहे ना टेस्ट कंस्ट्रक्शन ये सब स्टेप्स देख प्रिपेरेसन हुए प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्रायआउट आउ इवैल्यूएशन आउ कौन ना ये कौच दे हाव नो यूनिफर्म प्रोसीजर किंतु गोटे स्टैंडर्डाइज टेस्ट पिले सब यूनिफर्म प्रोसीजर आउ मेथड्स थाए मैंने तार आडमिनिस्ट्रेशन को नहीं स्कोरिंग को नहीं तार इंटरप्रिटेशन को नहीं सब गोटे यूनिफर्म बा समान प्रकार प्रोसीजर थाए कि मुझे कंडक्ट करी जमी करी आउ जे कले से करेब अलग अलग ये डिफरेन्सीएसन किसी ना ये आइटम आनालीसीस हुए डिफिकल्ट लेवल चेक हुए डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टरी बाहर आइटम तो जो आइटम्स गुड़ा रहा स्टैंडर्डाइज टेस्ट हाई क्वालिटी आइटम्स था कहुए कारण हाई वैलिडिटी और हाई रिलायबिलिटी थाए तो ये आप आंसर कौन है ना यहाँ कमर्सियली प्रिपेयर होता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 प्ले देखो असेसमेंट एज लर्निंग अकर्स व्हेन से कहे आप जो असेसमेंट एज लर्निंग केतबेले संगठित हुए बा कहा द्वारा यहाँ हुए आम कहे ना तीन टा फॉर्म ऑफ असेसमेंट आम पढ़ी असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग जो आप रहा से कौन कहे ना लर्नर्स प्रोग्रेस इज मॉनिटर्ड बाय पीयर्स जो आपको सांगसाथी रहा द्वारा मॉनिटर करा जाए कि लर्नर्स प्रोग्रेस इज मॉनिटर्ड बाय टीचर्स ये टीचर द्वारा मॉनिटर करा जाए कि लर्नर्स पर्सनाली मॉनिटर देयर ओन लर्निंग पिला निजे निजर लर्निंग को मॉनिटर करे कि लर्नर प्रोग्रेस इज मॉनिटर्ड बाय पेरेंट्स जो अभिभावक रहिले द्वारा मॉनिटर करा जाए कि आंसर तो ट्राए करूँ पिले असेसमेंट एज लर्निंग पिलार सबुबले इनवॉल्वमेंट थाए तीन टा मुझे आपको कहते मन रखिए असेसमेंट एज लर्निंग इज ए फॉर्म ऑफ असेसमेंट व्हेन स्टूडेंट्स इनवॉल्व इन द असेसमेंट प्रोसेस स्टूडेंट्स असेस देयर ओन लर्निंग पिला जो निज लर्निंग को निजे असेस करुच्छे दैट मीनस तार सेल्फ रिफ्लेक्शन रोचे तार लर्निंग प्रति सेल्फ मॉनिटर से करुच्छे सेल्फ एडजस्टमेंट से करुच्छे तार लर्निंग रिलेटेड फैक्टर्स से आपको असेसमेंट एज लर्निंग भितर आसी तीन टा जिनस मन रखुदूँ कि असेसमेंट एज लर्निंग लर्नर निज लर्निंग को निजे असेस करे से एक्टिवली इनवॉल्व था असेसमेंट प्रोसेस रे सेल्फ रिफ्लेक्शन करे सेल्फ मॉनिटर करे सेल्फ एडजस्टमेंट करने को ट्राए करे निज लर्निंग फैक्टर को आंसर कौन है ना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पिले देखंतु एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू आदर कोटा ठीक आपण आइडेंटिफाई करिवे लर्निंग इज पॉसिबल व्हेन ओनली व्हेन ए सर्टन स्टेज ऑफ मैच्युरेशन इज रीच्ड से कहुची शिक्षण सेतबेले पॉसिबल हबो जेतबेले गोटे सर्टन स्टेज ऑफ मैच्युरेशन हमरा आसी जीवो ठीक कथा पिले तर मुझे दुई वर्ष पिला कहि प्रोब्लेम सॉल्विंग एबिलिटी करने गोटे प्रोजेक्ट देवी करने से करपर कि तार सर्टन स्टेज ऑफ मैच्युरेशन आसला शिक्षणटा संभवपर हो पार गोटे 12 वर्ष 13 वर्ष कि 15 वर्ष पिला गोटे प्रोजेक्ट दे गोटे प्रोब्लेम दे आराम से तार सल्यूशन काढ़ पार तेणुक लर्निंग भी मैच्युरेशन आवश्यकता अच्छे आम पढ़ी ना मैच्युरेशन इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट कंपोनेंट फॉर लर्निंग
ऑप्शन टू देखों ताले एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग बिकम फ्रूटफुल ओनली व्हेन ए सर्टेन स्टेज ऑफ मैच्युरेशन इज अटेंड। एटा भी गोटे ठीक कथा कारण आपंकर गोटे दुई वर्ष पिला को तीन वर्ष पिला को आप कहे जा दौड़ 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर से एक्सरसाइज भाया एक्सरसाइज करें से भाया ट्रेनिंग नहीं पारे कि कहे आप कार ड्राइविंग कर से कर तेणुक तर से भाया फिजिकाल मैच्युरेशन न आसवा जाके से भाया ट्रेनिंग नहीं पार ना तेणुक ये दुईटा स्टेटमेंट आप एकदम रईट अच्छी देखते कौटी ऑप्शन बी ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू आर ट्रू ठीक है पिले। क्वेश्चन नंबर 48 देखु मैच द फॉलोइंग नेम्स विथ द थ्योरी दे क्रिएटेड ये नेम्स रहिला सब थ्योरिस्ट मानकर थ्योरीज गुड़ाक रहिला मास्लो कौन पिले ना हेराकी ऑफ नीड्स कि मास्लो थ्योरी ऑफ हेराकी हेनरी मुरेस पिले कौन ना देखते पिले आप मोटिवेशन बहुत सारा थ्योरी अच्छे मन रखिए ठीक है आपको मोटिवेशन आप सिलेबस ना कि क्वेश्चन पचार थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भर आसा पिजेट आपंकर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप दुटा भी जानते हैं आर आप करेंगे मास्लो धर जानते एक नंबर है सी वन कौटी सी अच्छी एट अच्छी वन सी ए दुटा ये दुटा कटिगला तीन नंबर अच्छी पिजेट आप जानते कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने तीन टा ए कौट देखूँ थ्रीटा ए अच्छी ए थे अच्छी ठीक है पे तेणुक आप ऑप्शन है करेक्ट एटा आपन कटिगला तो डिलेशन मेथड ट्राए करेंगे आपड़ जो जानना से छाड़ी आज जो जानते आग कम्प्लीट करने तेणुक आप आंसर ये कौन है ना ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 हुज द फॉलोइंग शुड बी गिवन इंपोर्टेंस इन स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन आप स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन करुछंती विद्यालय भित्तिक मूल्यांकन करुछंती आदर कोटा पर आप अधिक गुरुत्व देवा दरकार टीच एंड टेस्ट लर्नर्स फ्रिक्वेंटली बारंबार पढ़ेगा और टेस्ट करने उपरे एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच परीक्षामूलक जो आम कौन अप्रोच गुरुत्वारोप करेंगे लेस ऑटोनोमी एंड फोकस ऑन लर्नर्स पिला अधिक स्वाधीनता दवानी तर गुरुत्व दवानी कि प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड इम्प्रूव लर्णिंग आम पे कौन करवा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करवा लर्णिंग इम्प्रूवमेंट आंसर ट्राए करते पे पहले ओपर जितक स्टेटमेंट अच्छा ये सब गोटे गोटे नेगेटिव फॉर्म आप देखते अच्छी लास्ट स्टेटमेंट कौन आम फीडबैक पिला प्रोवाइड करवा आपने आम कौन करवा फीडबैक इन टर्म्स ऑफ आपड़ा जहाँ भी से पढ़ुं विकनेसेस कौन तर प्रोब्लेम्स कौन अच्छी से आहरी केमी इम्प्रूवमेंट करें सक्सेस स्ट्रेंथ कौन ए रिलेटेड जो फीडबैक प्रोवाइड करें कौन ना प्रोग्रेस रिपोर्ट दूचे पेरेंट्स को लर्नर को भी आम फीडबैक प्रोवाइड करुचे क्लासरूम पर्टिकुलरली कौ आसेसमेंट टेक्निक्स ना फॉर्मेटिव आसेसमेंट टेक्निक्स तेणुक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक गठनमूलक मतामत आवश्यकता अच्छी गोटे पिलार शिक्षण को आहरी इम्प्रूव करने तो ये आप आंसर कौन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पे देखो हूँ तो फॉलोइंग इज ए लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी आदर कौटा आपंकर गोटे लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी शिक्षार्थी केन्द्रिक कार्यधारा आदर कौटा कार्य गोटे ए स्टूडेंट रोल प्लेस ए स्टूडेंट लिसन टू ए लेक्चर ए स्टूडेंट फॉलोज इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर ए स्टूडेंट कॉपीज नोट्स फ्रॉम द बोर्ड आंसर ट्राए करते पहले मुझे आपको पूर्व जो सीरीजा करी सीरीज नंबर 11 प्राय से आपको कहीदी कि पिले स्टूडेंट सेंटेड आप्रोच भितर कौन कौन आसो आ लर्नर टीचर सेंटेड आप्रोच भितर कौन कौन आसो रोल प्ले देला मैंने ये आप गोटे लर्नर सेंटेड आप्रोच भितर आसगला तेणुक आंसर कौन है ना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तेणुक सब क्वेश्चन करूँ ये क्वेश्चन कले आप निश्चिंत भाव में प्रत्येक क्वेश्चन जहाँ भी आगे क्वेश्चन आसो ताको क्राक करेंगे इजिली लर्नर सेंटर भितर आउ कौन आसीजे ना असाइनमेंट आप प्रोजेक्ट आप प्रोब्लेम सल्विंग आसीजो ग्रुप डिस्कसन आसगला ह्यूरीस्टिक मेथड गुड़क आम कौन डिस्कवरी मेथड आसगला ब्रेन स्ट्रोमिंग आसगला ये सब आप लर्नर सेंटर भितर आसो लेक्चर सेंटर भितर कौन कौन आसो बा टीचर सेंटर भितर कौन कौन आसो कि लेक्चर मेथड आसगला आप डेमोनस्ट्रेसन आपंकर आसगला टीम टीचिंग आसगला लेक्चर कम डेमोनस्ट्रेसन भी आसीजो आपंकर तेणुक ये आप मन रखुद या रिलेट कर निश्चिंत भाव में क्वेश्चन पचार ठीक है बोले भलसे प्रिपेरेसन करूँ सब भरी आज भी आप गोटे कोटेसन कि सेट आटीट्यूड अफ ए टीचर आपड़ फ्यूचर टीचर हे तेणुक एबार आप टीचर आटीट्यूड भितर थी दरकार से भाया पर्सनालीटी क्रिएट करूँ टीचर होगापी जहाँ जहाँ सब लगुच जहाँ जहाँ दरकार आपठू तैयार करनी ना कौन निजे भाभी कि मुझे गोटे टीचर हेबी निश्चिंत भाव में से भाई आटीट्यूड निज भर डेवलप करूँ जो आप निज माइंड को इंस्ट्रक्शन दे सारे कि मुझे जो टीचर हेबी एग्जाम निश्चिंत भाव में भलसे क्रैक करेंगे ठीक अच्छे पहले एगेन ऑल द वेरी बेस्ट पुणी आम शीघ्र ये सीरीज आगे आने।